फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। भाटी माइंस में अवैध रूप से बने फार्म हाउस पर चला एमसीडी का बुलडोजर। दक्षिणी दिल्ली के भाटी माइंस इलाके में चला एमसीडी का बुलडोजर। भाटी माइंस इलाके के कई फार्म हाउस पर अवैध रूप से बने इमारत को एमसीडी के द्वारा तोड़ा गया है। कई एकड़ में बने करोड़ों की प्रॉपर्टी को एमसीडी द्वारा तोड़ा गया है। इस इलाके में एग्रीकल्चर लैंड पर कई सारे अवैध रूप से फार्म हाउस बने हुए थे, जिसकी जांच एमसीडी के आला अधिकारियों ने की। उसके बाद दो दिनों के ड्राइव के बाद इस इलाके के कई फार्म हाउस पर जबरदस्त डिमोलिशन किया गया। तस्वीर आप देख सकते हैं, कई एकड़ में बने इस भव्य बिल्डिंग को एमसीडी द्वारा पूरी तरह से तोड़ दिया गया है और फिर एमसीडी द्वारा डेमोलिस प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया। डॉट इस पूरे डिमोलिशन पर स्थानीय निगम पार्षद का कहना है कि यह सारे डिमोलिशन कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि पहले इलाके में अवैध कंस्ट्रक्शन करने के लिए भ्रष्टाचार के तौर पर रिश्वत लिया जाता है, उसके बाद एमसीडी इसे तोड़ने के लिए आ जाती है। अगर कंस्ट्रक्शन का काम अवैध है तो एमसीडी इसे शुरू में ही क्यों नहीं रुकवाती। फिलहाल एमसीडी द्वारा चलाए जा रहा है इस डेमोलेशन ड्राइव को आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद सुंदर भाटी ने गलत बताया है। नहीं, ये इलाके में केवल एक भाटी वार्ड का विषय नहीं है, पूरी दिल्ली के अंदर जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन पे एक एमसीडी का एक मुहिम उन्होंने चला रखी है कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन जो हुई है उस पे तोड़फोड़ का विषय है। हमारे भाटी वार्ड के अंदर भी कई जगह डिमोलिश हुए। मैं भी विधायक जी, डीसी मैडम से भी मिले, कमिश्नर से भी मिलने का हमने प्रयास किया, मेयर मैडम से भी मिले, तो उन्होंने, मेयर मैडम ने फ़ोन भी किया, बात भी की, लेकिन हमारा एक ही कहना है, या तो शुरू से ही ना बनने दें। यदि किसी का मकान घर बन गया है उसको तोड़ने का हमारा विषय समझ नहीं आता, और ये केवल और केवल पॉलिटिक्स है, बीजेपी का एक षड्यंत्र है उसके तहत, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार जो एमसीडी के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है, दिन भर पूरा एक अच्छा लोगों में मैसेज जा रहा है कि अच्छी साफ सफाई है, मलेरिया से संबंधित, डेंगू संबंधित, और आज देख रहे हैं डिस्पेंसरी जो यहाँ पर वो भी हुई है, उसका भी उद्घाटन है, तो बीजेपी को ये हजम नहीं हो रहा। ये कहीं ना कहीं बीजेपी की एक षड्यंत्र है कि आम लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए तोड़फोड़ हो रही है। तो मेरा यही कहना है, या तो स्टार्टिंग से बनने नहीं दें, और बने तो फिर उसको कोई नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि बहुत आज बेरोजगारी पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर पूरे बेरोजगारी है। किस तरीके से लोग बड़ी मेहनत करके अपना एक आशियाना बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं। हमारे यहाँ पर मैं मैडम से भी मिला, एडिशन अपना डीसी मैडम से, लाल डोरा के विषय हैं, जो लाल डोरा है जो सरकार ने एक नियुक्त की है कि ये रिहायशी इलाका होना चाहिए, उसमें भी डेमोलिशन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बड़े दुर्भाग्य और शर्म की बात है कि इस तरीके से बदले की भावना से कोई काम ना करें, और लोगों को राहत मिलनी चाहिए, हमारा यही कहना है। वही 2 बजे करीब आए सर। अच्छा, क्या हुआ था जी सर? कल आए सब तोड़ के चले गए सर। अच्छा, इसको गेंद भी सील कर दिए बगल वाला। हाँ, कितना नंबर है ये? है 8D। अच्छा जी सर। तो यहाँ पे लोग रहते थे? यहाँ जी हम रहते थे, रात की नौकरी करते थे। अच्छा, तो इसको भी सील कर दिया? जी सर। ये किसका है? ये सरदार जी का। अच्छा, कहाँ रहते हैं सरदार जी? ये तो मालूम नहीं सर।